जय पीर पिथौरा दादा, जय सचिया माता, जय राजपूताना। बिहार के राजपूत क्षत्रिय इतिहास वंशावली राजपूत ऑफ बिहार। बिहार सदैव ही महानतम क्षत्रियों की भूमि रही है। जिस धरती पर तेतरा युग से लेकर द्वापर युग से लेके कलयुग की 19वीं सदी तक कई महान क्षत्रियों ने जन्म लिया है और क्षत्रियों के टोटल वंश यह पावन भूमि के अंदर निवास करते हैं। बिहार के हर कोने में फैली हुई है यह महान राजपूत वंश। बिहार के ज़्यादातर जिलों में जिस जगह पर अधिक होंगे उस जगह का नाम उस वंश के नाम से बढ़ता है। शाहबाद के अंदर भोजपुर, डुमरा, रोहतास, कैमूर जिला एक साथ होंगे। मगध, औरंगाबाद, गया, नवदा, अरवल, जहानाबाद जिला एक साथ। इसमें कई क्षत्रिय राजपूत रहते हैं। परमार राजपूत, उज्जैनिया परमार, गढ़वरिया परमार, यह मान वंश उज्जैन से आके बिहार में बसा हुआ है। बाबू ठाकुर वीर कुंवर सिंह यह मान वंश में से थे। सिकरवार क्षत्रिय, यह मान वंश शाहबाद, मगध और सारण में अधिक सिकरवार क्षत्रिय हैं। बिसेन क्षत्रिय, बिसेन क्षत्रिय यह वंश पूरे भारत में फैला हुआ है। गाय क्षत्रिय, बिसेन वंश की एक शाखा है जो शाहबाद में गाय क्षत्रिय हैं। रघुवंश, यह मान वंश राजा रघु के वंशज हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बिहार में सिवान और सारण में अधिक रघुवंशी क्षत्रिय रहते हैं। गहलोत, यह मान वंश भारत का वीर योद्धा महाराणा प्रताप का वंश है। इसी वंश में सत्तावट, बनावट और सिसोदिया अति प्राचीन राजवंश है। ये सिसोदिया वंश में ही महान राजा बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणी पद्मिनी और महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर क्षत्रिय हुए थे। राजस्थान में मेवाड़, बिहार में मगध, मगध में अधिक हैं, औरंगाबाद और गया में भी ये क्षत्रिय राजपूत सिसोदिया गोहिल मिलते हैं। गढ़वाल, गहड़वाल, गहड़वाल यानी गहरवार क्षत्रिय कनौज से लेके राजस्थान से लेके पूरे भारत में फैला हुआ है। निकुंभ, निकुंभ क्षत्रिय यह मान वंश पूरे भारत में फैला हुआ है। बुंदेला, बुंदेलखंड से लेके हजारीबाग नवाडा में इनका गढ़ है। पूरे भारत में फैला हुआ यह महान बुंदेला वंश है। मेहरौड़ वंश, मेहरौड़ ज़्यादातर यह वंश शाहबाद में मिलते हैं और यह मान वंश पूरे भारत में फैला हुआ है। चौहान वंश, यह मान वंश से ही भारत का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। ये पूरे भारत में राजस्थान से लेके यूपी बिहार में पूरा भारत में फैला हुआ महान वंश है। सोलंकी वंश, सोलंकी क्षत्रिय वंश गुजरात पाटन और राजस्थान यूपी बिहार में फैला हुआ है। यह महान वंश है। सोनवान सोलंकियों की शाखा है। बघेल, बाघेला सोलंकी की शाखा है। रेवा बघेल रियासत, राजाओं में रघुराज सिंह, बाकी सब रजैया है। तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। यह मान वंश पूरे भारत में सोलंकी वंश बघेल वंश फैला हुआ है। त्रिलोक चंदी क्षत्रिय, त्रिलोक चंदी क्षत्रिय बैस क्षत्रिय की एक शाखा है। शाहबाद सीतामढ़ी में अधिक है। ये महान वंश पूरा भारत में फैला हुआ है। सिरमौर, त्रिलोक चंदी बैस प्राचीन मौर्य वंशी ज़्यादातर मगध में ये क्षत्रिय पाए जाते हैं। जादौन, जादौन वंश करौली राजस्थान यूपी बिहार में यह मान वंश फैला हुआ है। जाडेजा, चूड़ासमा, सरवैया और जादौन ये चार भाई हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए जाते हैं। श्रीनेत निकुंभ की शाखा है, जमुई बांका में अधिक है। पूरे भारत में फैली हुई श्रीनेत क्षत्रिय की शाखा है। सांडा क्षत्रिय भारद्वाज गोत्र है। रोहतास और मगध में ये सांडा क्षत्रिय पाए जाते हैं। नरोनी क्षत्रिय परिहार प्रतिहार की शाखा है। शाहबाद में यह क्षत्रिय रहते हैं।
और परिहार पूरे भारत में फैला हुआ ये महान वंश है। तोमर क्षत्रिय, ये तोमर यानि तुंवर दिलीपति अनंगपाल जी तोमर थे। यही वंश में बाबा रामदेव जी रणुजा वाले रामदेव पीर हुए। उन्होंने रामदेव पीर जी ने शादी अमरकोट सोढ़ा राणा राजघराना से की थी। पटरानी का नाम नेतल दे था। यह मान वंश तोमर वंश दिलीपति अनंगपाल तोमर वंश कहा जाता है। पूरे भारत में फैला हुआ यह मान वंश है। तिलोता तोमर की भी तोमर की ही शाखा है। सोमवंशी क्षत्रिय, ये चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए जाते हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। कंधार क्षत्रिय, कंधार क्षत्रिय गौतम की शाखा है, मगध में ज़्यादातर हैं। सुरवार क्षत्रिय, सुरवार क्षत्रिय गौड़ क्षत्रिय की शाखा है, पूरे भारत में फैले हुए हैं। शाहबाद शेखपुरा सारण में अधिक हैं। काकन क्षत्रिय, काकन क्षत्रिय सूर्यवंशी क्षत्रिय है, शाहबाद में अधिक है, पूरे भारत में फैला हुआ यह मान वंश है। किनवार क्षत्रिय, किनवार क्षत्रिय दीक्षित की शाखा है, दीक्षित क्षत्रिय दीक्षित वंश पूरे भारत में फैला हुआ है। यह मान वंश उज्जैन नगरी बाणुलाख मालवा प्रदेश के राजा परमार वीर विक्रमादित्य जी ने इनको दीक्षित किया था, जभी से यह दीक्षित वंश कहा जाता है। कछवाहा वंश, यह सूर्यवंशी क्षत्रिय महान वंश जयपुर आमेर से लेके पूरे भारत में फैला हुआ है। कुरुवंशी, यह मान वंश जरासंघ का वंश है, जिसमें मगध पर 2800 साल तक राज किया। शाहबाद छपरा मगध में अधिक क्षत्रिय कुरुवंशी क्षत्रिय पाए जाते हैं। लोहथंबिया क्षत्रिय, लोहथंबिया क्षत्रिय लोहथंबगढ़ से उत्तर भारत और पूरे भारत में फैला हुआ यह मान वंश है। बराइया क्षत्रिय, बराइया क्षत्रिय सेंगर क्षत्रिय की शाखा है, पूरे भारत में फैली हुई है। तिरहुट क्षत्रिय मुंगनेर में अधिक है। तिरहुट क्षत्रिय यूपी बिहार में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सेंगर क्षत्रिय पूरे भारत में फैला हुआ ये महान क्षत्रिय वंश है। हरिवंशी क्षत्रिय यानी हैहय वंशी राजपूत सहस्त्र अर्जुन का वंश शाहबाद में अधिक है, पूरे भारत में फैला हुआ है। सूर्यवंशी क्षत्रिय मूल सूर्यवंशी क्षत्रिय महान वंश अयोध्या वंश कहा जाता है। पाल वंश भी पहले कहा जाता था, भगवान राम का वंश है, पूरे भारत में फैला हुआ ये सूर्यवंशी क्षत्रिय है। भाटी वंश, भाटी राजस्थान जैसलमेर का भाटी वंश और भडावर गांव भोजपुर बिहार में भी पाए जाते हैं। पूरा भारत में फैला हुआ यह महान वंश पाकिस्तान तक फैला हुआ यह महान वंश है। गौतम वंश, गौतम वंश गौतम क्षत्रिय पूरे भारत में फैला हुआ वंश है। निमी वंशी सूर्यवंशी माता सीता जी का वंश कहा जाता है। निमी वंशी पूरे भारत में फैला हुआ यह महान वंश है। चंदेल वंश पूरे भारत में फैला हुआ चंदेल वंश है। कर्मवार क्षत्रिय वंश, कर्मवार वंश गहरवार क्षत्रिय की शाखा है, पूरे भारत में फैला हुआ है। बेरुवार क्षत्रिय तोमर तुंवर क्षत्रिय की शाखा है, मिथिलांचल क्षेत्र में अधिकतर मिलते हैं। दोनवार क्षत्रिय, दोनवार क्षत्रिय बिसेन क्षत्रिय की शाखा है, पूरे भारत में फैली हुई है। देकड़ा क्षत्रिय, देकड़ा क्षत्रिय पूरे भारत में फैला हुआ है। पालीवाल क्षत्रिय चंद्रवंशी क्षत्रिय नॉर्थ बिहार गोपालगंज में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर बिहार में ही ये पालीवाल क्षत्रिय और राजस्थान में पाए जाते हैं। रक्सेल क्षत्रिय पूरे भारत में पाए जाते हैं। बैस क्षत्रिय पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है। नागवंशी क्षत्रिय यह मान वंश अधिकतर झारखंड में पाए जाते हैं। बिहार के राजपूत बाबू साहेब सिंह टाइटल बाबू साहेब के नाम से जाने जाते हैं और सिंह साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं। जय बाबू वीर कुंवर सिंह, जय तेगवा बहादुर, जय क्षत्रिय धर्म, जय राजपूताना।